ड्रेस तो बहुत अच्छा है। मेरा भी ड्रेस बहुत सुपर है। अरे रे 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 रे, इस ड्रेस में तुम तीनों बहुत अच्छे लग रहे हो। ये ड्रेस किसने पहनाया? बड़े दादाजी ने पहनाया। अरे तुम तो सुपरमैन लग रहे हो, तुझे ड्रेस किसने पहनाया? दादी ने पहनाया। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चाचा जी, आप भी सत्यनारायण पूजा के लिए इतना सवरना जरूरी है क्या? ऐसा मत सोचो बेटा, भगवान नाराज हो जाएंगे। पिताजी देखो धोती ऐसा पहना करते हैं, देखो तो कितने सुंदर लग रहे हो। नमस्ते जी, आइए आइए बैठिए। बेटे कल्याणी तेरे पति कहाँ है? वो देखिए पिताजी आ रहे हैं। क्यों रे, ऐसा क्यों चल रहा है? क्या करूँ चाचा जी, धोती पहनना इतना मुश्किल है कि अंग्रेजों ने पैंट पहनना सिखा दिया। बकवास बंद करो, धोती पहनने वाला ही असली हिंदुस्तानी होता है। पहनो। भाभी भैया कहाँ है? वो देखो आ गए। आइए रामकिशन जी, आइए आप यहाँ बैठिए, और श्रीमती जी आप इनके बाईं तरफ बैठिए। आप शुरू कीजिए, मैं आप भी आता हूं। आप बैठिए भाभी, मैं हूं ना काम करने के लिए, आप बैठिए। ये ऐसा ही है बिजनेस में, ये मुझे कुछ करने नहीं देता है और घर में तुम्हें कुछ करने नहीं देता। हाँ तो चिंटू कहाँ है, तुमने कहीं भेजा है क्या उसे? वो मेरे भेजने से जाएगा क्या, अपनी मनमानी करते हुए घूमता रहता है। भैया पर इतनी नाराजगी, बेचारे भैया वीडियो वाले को लाने गए हैं। अरे रुको रुको रुको, यही घर है। वो देखो भैया आ गए। वो तेरा भैया नहीं, उसका दुम है ना। 40। इतना बहुत कम बोला सर। कम कैसे यार, 40 बोले तो 70 हुए ना। 40 बोले तो 40 होता है। हाँ 40 रुपए, उसके जाने के पहले क्यों नहीं बताया? 30 का चुना लग गया, इसलिए तो घोचू। तेरे बटुए से ऑटो वालों को दे दिया। सुनिए श्रीमती जी, पत्नी को पति के दाएं बाजू नहीं बाएं बाजू बैठना चाहिए। वो किस लिए? पति का जी है बाएं तरफ रहता है इसलिए। तुम चुप रहो, शरीर की कीमती चीज सिर्फ दिल होती है जो बाएं तरफ ही होती है, इसलिए पत्नी को हमेशा दिल की तरह पति के बाएं तरफ ही बैठना चाहिए। ओहो, अरे मुझे क्या देख रहे हो यार, सबको कवर करो, पूजा को कवर करो, पुजारी को कवर करो, अंकल को कवर करो, आंटी को कवर करो, सबको कवर करो यार। अरे भाई पहले तू कैमरे के आगे से तो हट जा। वीडियोग्राफर को तुम क्यों लाए हो भला, मेरा बेटा कहाँ है? कोई जान पहचान वाले अस्पताल में भर्ती होना चाहते थे, उन्हें भर्ती करने के लिए गए। कौन है वो लोग? पता नहीं अंकल, लेकिन मैं मदद करने में अपने ताऊ की तरह बनूंगा, ऐसा कहकर वो हमेशा आपकी तारीफ करता है। छोड़ दो मुझे, नहीं। आओ बहन, ये लो माचिस, जला दो इसे। नहीं मुझे, आई लव यू ना बोली तो लड़की को जला देगा क्या? एसिड डालकर जान से मारने की धमकी देगा तो लड़कियां प्यार करेगी क्या? जला कर राख कर दो हरामी को। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। मौत को अपने सामने देखकर तेरी पैंट गीली हो गई क्या साले? फिर कभी किसी लड़की को धमकाया छेड़ा ना। मैं नहीं करूंगा दोबारा। पैर पकड़, चल पैर पकड़। मुझे माफ कर दिया बहन जी। चल भाग भाग। थैंक यू चिंटू भैया। शुक्रिया बाद में, पहले बहन को घर ले जाओ, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। क्लास? तेरी कौन क्लास लेगा? मेरे बापू। ये क्या खा रहे हो? प्रसाद है। इतने से तेरा क्या होगा, सबको बांट दो। डांट मत दिखा रे, मैं डांट तोड़ के हाथ में दे दूंगा। पद्मावती जी कहिए। पुरुषोत्तम कहाँ है? पंडित जी को दक्षिणा देना है।
आपको ये तकलीफ भी नहीं देना चाहते आपके भाई, वो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शतमानुम भवति शत आयुष्य आयुष्यते। चाचू तुम ऊपर कैसे आए? पाइप चढ़कर यार, लाइफ में ऊपर आना है तो पाइप चढ़ना बहुत जरूरी है। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, तू बड़ा होने के बाद तेरे काम आएगा। इस घर में एक नालायक काफी नहीं है क्या? इन बच्चों को भी अपने जैसा बना रहे हो। आ गया यार अमिताभ बच्चन। तुम कहाँ जा रहे हो यार? जाने दो ना चाचू, दादाजी आपको डांटेंगे, आप चल नीचे करके खड़े रहेंगे, हम नहीं देख सकते। तुझे शर्म नहीं आती? त्योहार के दिन भी झगड़ा करते हो, बिना किसी को मारे तुम्हें नींद नहीं आती क्या? तू कभी नहीं बदलेगा। तो ठीक है, मुझे यहाँ बंद कर दीजिए, मैं यही पढ़ा रहूंगा। आज तक तो यही कर रहे हो, सुबह होते ही टपोरियों के साथ लड़ना झगड़ना, लोगों का भला करना। क्यों रे, अपने पिता की एक भी बात नहीं मानेगा क्या? इसकी डांट सुनना अच्छा लगता है तुझे? ये कोई उम्र है ऐसी बेहुदा हरकत करने की? तेरे पिता के सामने मैंने तुझे डांटा, तुझे बुरा तो नहीं लगा? उनकी बातें बुरी नहीं लगती है, लेकिन आप कुछ भी कहते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है बड़े पापा। ऐसा ड्रेस पहना तूने, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। क्यों बड़े पापा, क्या हुआ? ऊपर रूम में जाओ, तुम्हारे लिए एक अच्छा शर्ट लाया हूँ, जाकर पहनकर आ जा। बड़े पापा मैचिंग सुपर, कल से आप ही सिलेक्ट करना। नमस्ते नमस्ते। अरे पप्पू जी। भाई कोई आया है क्या? जी आया है। कौन आया है? मैं आया। मुझसे मजाक करता है, सर फोड़ डालूंगा। तेरे आने से क्या होगा? और कोई आया है क्या? आए हैं ना। कौन? आप। छोटू भाई, छोटू भाई। अरे तू और मैं नहीं, और कोई दूसरा आया क्या? वो देखो आ रहे हैं। बेकार में घूमने वाले आवारा नहीं चाहिए, हमारे काम का कोई आया है क्या बता? ए छोटू लाल, कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? एक पेट में दूंगा ना, पीछे के दोनों टायर पंक्चर कर दूंगा, चल चाहे बोल। बुश नहीं चाहिए? अरे सुन रे, तो बुश लाना। अरे चुप रहना यार, मैं तो मजाक कर रहा था। ए छोटू लाल उंगली मत करना, साइलेंसर का साउंड है, नया डाल दे, सेट हो जाएगा। हेलो, क्या डालने से सेट होता है, क्या करने से फिट होता है मुझे पता है। मैं जब मैकेनिक बना तब तुम लोग चड्डी पहना करते थे। आप अभी भी चड्डी नहीं पहनते क्या? अरे छोटू कार रेडी है क्या? बस रेडी है क्या? अरे लाया हूँ यार। ओके रे, पार्टी आई है, तुम लोगों के कारण इस गैरेज का नाम बदनाम हो गया है। मेरी और पार्टी के बीच बात होने वाली है, तुमने इंटरफेयर किया तो ठीक नहीं होगा। देखो ये लकीर पार करने की कोशिश मत करना, समझ गया ना? ए भाग यहाँ से, ए सेट के लिए कुर्सी ला रहे। अरे नहीं रे छोटू, मुझे जल्दी जाना है, टाइम हो रहा है, वहाँ सेटलमेंट करना है। एक मिनट भाई, ए नारियल लेके आ। अरे मैं नारियल का पानी नहीं पीता। नारियल आपके पीने के लिए नहीं भाई, नजर उतारने के लिए मंगा रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए सेंटीमेंट। मैं मानता हूँ भाई, कार्ड लेने से पहले नजर उतारे बिना गाड़ी नहीं दे सकता। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। नजर नहीं उतारा तो सच में टाइम हो जाएगा, मेरी बात मानो। ठीक है शुरू कर। अरे जल्दी लेकर आ। ये लो भाई। अरे सेटलमेंट के लिए मुझे जल्दी जाना था, नजर उतारूंगा, नजर उतारूंगा कहकर मेरे कार का ग्लास फोड़ डाला तूने। अरे मार डालूंगा तुझे, ये ले ले ले। सुन, एक घंटे के अंदर मेरी गाड़ी रिपेयर करके मेरे घर नहीं ले आए तो जान से मार डालूंगा। वो मुझे तबला समझ के बजा रहा था, तुम्हें आकर बचाना चाहिए था ना यार। तूने मुझे मना किया था ना लकीर पार करने को। एग्जैक्टली सच्ची दोस्ती यही है यार। अरे उस भैंसे ने बहुत पीटा। अरे पप्पू बजा इसका भोपू।